वेलकम प्यारे बच्चों, आपके बीच हम बहुलक का धमाकेदार क्लास लेकर आए हैं तूफानी अंदाज में। ओके, देखिए हम इसको कैसे तूफान की तरह उड़ जाए के तुरंत फिनिश करते हैं, नम धुआं धुआं कर देंगे। टेंशन क्या ले रहा बच्चा? बहुलक है क्लास 10 का 14.2 चैप्टर 14.2, कुछ भी नहीं है। बहुलक में फॉर्मूला याद करिए, मार मिठाइए, आंसर पाइए। ओके, इसके पहले हम मार्क पढ़ा चुके हैं, पिछला क्लास जाके देखिए। ओके, चलते हैं। बहुलक, बहुलक, बहु मेन चीज इसमें क्या है? सूत्र, फॉर्मूला। फॉर्मूला याद रहेगा सारा हिसाब क्लियर होगा। ओके, देखिए हम फॉर्मूला लिखते हैं, यल प्लस छोटी ब्रैकेट f1 माइनस f0 बटे 2f1 माइनस f0 माइनस f2 इंटू h, इस तरह से लिखा जाएगा। ओके, एक तरीका से और लिखा जाएगा, कुछ नहीं, वही चीज रहता है। तीन यल लड़ा है बहादुर, यल है, क्या है? यल है। इसको कोई लड़का लिखता है यल प्लस एफ वन माइनस एफ जीरो, जो बटे है ना, इसको बीच में लाना पड़ता है, बटे टू एफ वन माइनस एफ जीरो माइनस एफ टू इंटू एच। दोनों सेम चीज है, दोनों क्या है? सेम चीज। कोई भी प्रकार की दिक्कत होगा कांटेक्ट करिए हमसे, क्लास 10 में धुआं धुआं कर देंगे हम सबको। अब देखिए, कहिएगा सर यल क्या है, एफ वन क्या है, एफ जीरो क्या है, एफ टू क्या है, एच क्या है? बहुत बढ़िया क्वेश्चन वाला। यल जो है बहुलक बल के निम्न सीमा, उसके बारे में भी अगला हम क्वेश्चन लाएंगे, उसमें सारा चीज समझा दिया जाएगा। यल क्या है? बहुलक बल के निम्न सीमा। एच क्या है? वर्ग अंतराल, वर्ग अंतराल। यल है बहुलक बल के निम्न सीमा। जो बच्चा भोंदू है वो लिख ले, यल बराबर बहुलक बल के वर्ग के निम्न सीमा, एच बराबर वर्ग अंतराल होता है। एच बराबर हम लिखने वाले हैं नहीं, ठीक, तो इसलिए आप लिख लीजिएगा, यल बहुलक बल के निम्न सीमा, एच वर्ग अंतराल। एफ वन क्या? तो बहुलक बल की बारंबारता, बहुलक वर्ग की बारंबारता। एफ जीरो क्या? बहुलक बल के बारंबारता के ठीक पहले, ठीक पहले। एफ टू क्या है? बहुलक बल के बारंबारता के ठीक बाद वाले वर्ग। हो गया, यल क्या है? निम्न सीमा, बहुलक बल के निम्न सीमा यल है। एच क्या है? वर्ग अंतराल। एफ वन क्या है? तो एफ वन है बहुलक वर्ग की बारंबारता, बहुलक वर्ग की बारंबारता। एफ जीरो क्या है? बहुलक वर्ग के बारंबारता के ठीक पहले वाला, ठीक पहले वाला। एफ टू क्या है? बहुलक वर्ग के बारंबारता के ठीक बाद वाला। इतना चीज समझ में आया प्यारे दोस्तों? समझ में आया हाँ या नहीं? एक भी बालक को नहीं कि आए सर समझ में आया, क्या बनेंगे? नीचे तक जना रहा है सभी शेर बहादुर को, नीचे एक स्टेप नहीं जना रहा है। ओके, तो इसको हम एफ जीरो को यहां लिखते हैं, एफ जीरो। देखिए हम समझाते हैं पूरा अस्थिर से, फॉर्मूला को समझिए। बहुलक बराबर होता है यल प्लस एफ वन माइनस एफ जीरो बटे टू एफ वन माइनस एफ जीरो माइनस एफ टू इंटू एच, इंटू एच। ओके, यहां तक किसी को दिक्कत? ये फॉर्मूला होता है जिस तरह से आयत का फॉर्मूला, आयत का छत्तर लंब बटे लंबाई गुने चौड़ाई, ये भी बहुलक ही बराबर होता है। बहुलक, बहुलक बराबर ये भी होता है, वो भी, दोनों समान चीज है, सिर्फ लिखने का तरीका अलग है। यल क्या है? बहुलक वर्ग के निम्न सीमा। यल क्या प्यारे दोस्तों? बहुलक वर्ग के निम्न सीमा। यल बहुलक वर्ग के निम्न सीमा। एच क्या है? वर्ग अंतराल। एच क्या है? वर्ग अंतराल। एफ वन क्या है? बहुलक वर्ग की बारंबारता। एफ वन क्या है? बहुलक वर्ग की बारंबारता। एफ जीरो बहुलक वर्ग के बारंबारता के ठीक पहले वाली बारंबारता, बहुलक वर्ग के बारंबारता के ठीक पहले वाली बारंबारता। एफ टू क्या? बहुलक वर्ग के बारंबारता के ठीक बाद वाली बारंबारता। ओके, हम इस पे क्वेश्चन को धुआं धुआं करते हैं तूफानी अंदाज में। ओके दोस्तों, हम देखिए बहुलक को फॉर्मूला बताए थे, पहला क्वेश्चन किस प्रकार से हम धुआं धुआं करते हैं। निम्नलिखित सारणी, देखिए एनसीईआरटी का बुक आप लोग आगे रखिए, बहुत फायदा करेगा आप लोगों को। ये लास्ट सीजन है, पढ़िए मन दबा के, मन को चाप के पढ़ते रहिए। ये नहीं कि
टीवी देखना, टीवी देखते रहिएगा जिंदगी भर। क्या हम भी उसी तरह आप ही के तरह टीवी देखते थे तो आपके बीच है, मन से पढ़ते, हम भी दिल्ली बम्बई में घूरते, सीजीएल सीएचएसएल की नौकरी लेकर आराम से घूरते, कोई बोलने वाला था क्या? पढ़ो मन से, ध्यान देख पढ़ो, क्योंकि मैट्रिक एक बार पास होता है बार बार नहीं। ठीक है, हम क्वेश्चन नंबर एक पर चलते हैं। निम्नलिखित सारणी के किसी अस्पताल के में एक विशेष वर्ष में भर्ती हुई रोगियों की आयु का दर्जा दर्शाती है। एक वर्ष में रोगी बीमार हुआ उसकी आयु को ये दर्शा रहा है, और ये रोगियों की संख्या को दर्शा रहा है। 5 से 15 वर्ष के बीच के रोग वर्ष वाले व्यक्ति को, रोगी को 6 रोगी था। कितना रोगी था? 6 रोगी। 15 से 25 वर्ष के रोगियों को 11 रोगी था। ठीक है, उपर्युक्त आंकड़े के बहुलक और माध ज्ञात कीजिए। दोनों केंद्रीय प्रवृत्ति के मापों की तुलना कीजिए और उनकी व्याख्या कीजिए। कोई दिक्कत नहीं, कड़ा ये रोगियों की यानी कि मरीजों की उम्रों की संख्या उम्रों का है, मतलब 55 से 60 वर्ष के बीच रोगी है, 5 से 15 वर्ष के बीच के रोगी है, और ये रोगियों की संख्या 5 से 15 वर्ष के बीच के रोगी कितना है? 6 है। ओके, अब निकालना है बहुलक और माध। बहुलक को होगा ना यहाँ पे बहुलक और माध। अभी हम आप लोगों के बीच बहुलक का फॉर्मूला एक्सप्लेन किए थे कि नहीं, अब उसको हम लोग सीखेंगे। तो फॉर्मूला आप लोग थोड़ा सा मध्यम आवाज में बोलिएगा, सर यल प्लस एफ वन माइनस एफ जीरो बटे टू एफ वन माइनस एफ जीरो माइनस एफ टू इंटू एच, यही ना फॉर्मूला था जी? ठीक है, यल क्या चीज मानेंगे? यल कहे थे बाबू बहुलक वर्ग के निम्न सीमा। ओके, तो आप कहिएगा सर बहुलक वर्ग क्या होता है? तो इसमें जिसकी संख्या सबसे बड़ा, जिसकी बारंबारता सबसे बड़ा, ग्रेटर देन इक्वल बारंबारता, सबसे ज्यादा बारंबारता कौन है? 23 है। 23 है, 23 से बड़ा कोई चीज नहीं है। 23 को हम क्या मानेंगे? एफ वन। ओके, सबसे बड़ा बारंबारता को हम लोग एफ वन मानेंगे। ठीक है, अब बहुलक वर्ग कौन सा वर्ग बन गया? बहुलक, ये सबसे ज्यादा बहुलकता 23 का है, 23 का है। ओके, तो यल क्या माने थे? बहुलक वर्ग के निम्न सीमा, ये उच्च सीमा, ये निम्न सीमा। तो बहुलक वर्ग के निम्न सीमा आ गया था 35। एच बोले थे वर्ग अंतराल, एच क्या बोले थे? वर्ग अंतराल, इन दोनों के बीच की दूरी, माने कितना अंतर है वर्ग अंतराल इन दोनों के बीच की दूरी, पिछला में अगला घटा लेना है, कितना आया बहादुर? 10। एच क्या बोले थे? वर्ग अंतराल, वर्ग अंतराल कितना गया? 10। एफ वन बोले थे बहुलक वर्ग की बारंबारता, बहुलक वर्ग की बारंबारता, तो बहुलक वर्ग की बारंबारता क्या होगा? 23। बहुलक वर्ग के ठीक ऊपरी बारंबारता को हम लोग बोले थे एफ जीरो, और बहुलक वर्ग के बारंबार बहुलक वर्ग की बारंबारता के ठीक निचला ये हो जाएगा एफ टू। यहां तक किसी शेर बहादुर को दिक्कत? देखिए, यल तो हो गया बहुलक वर्ग के निम्न सीमा, बहुलक वर्ग के निम्न सीमा, एफ वन उसी को मानेंगे जिसकी बहुलकता सबसे अधिक हो, सबसे अधिक हो। तो अब 23 से बड़ा इसमें कोई है ही नहीं, हम लोग सबसे ज्यादा बारंबारता किसका है? 23 का, तो उसको हम एफ वन माने। उसके मोटा मोटी सुनिए, एफ वन माने, अब इसके ऊपर एफ जीरो, इसके नीचे एफ टू। ओके, अब हम लोग सेट करते हैं कि सर यल को बोला था यल का मान 35, एफ वन का मान कितना है? 23 है, एफ जीरो का मान कितना है? 21 है, बटे टू एफ वन, 2 × 23 माइनस एफ जीरो माइनस एफ टू, तो एफ जीरो कितना? 21 है, माइनस कितना? 14, और गुणे यच, यच कितना हम लोग निकाल के लाए? 10। अब यहां से हल करना कोई यूपीएससी की तैयारी थोड़ा होगा, यहाँ से हल करना क्या बुतरू का खिलौना है। देखिए हम करते हैं, हम बार बार नहीं करेंगे, हम अधिकतर हिसाब में ही तक ला के छोड़ देंगे, अन्यथा हम बार बार ही कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं, क्या सर जी के बचते हैं काम करने से। तो 35, 23 में से कह जाएगा बचेगा 2, ये ऊपर गुना हो जाएगा 10। यहाँ देखिये 23 2 कितना प्यार बालक? 46,
इक्कीस रुपया घटा फिर 14 रुपया घटा, हम गए मार्केट 21 रुपया को हम लोग चाट खा लिए। फिर उधर से कोई आ गई दीदी लोग, तो बोला बउआ हमको भी खिला वो चाट। हम बोले दीदी आपको हमके पास 14 रुपया बचा है, आप चाट खा लीजिए। तो 41 दुनी 46 तो 43 दुनी 46 हो गया, 21 रुपया खाया फिर 14 रुपया खाया। तो इन दोनों को हम 21 रुपया खाए, आप 14 रुपया को खाए, दोनों को जोड़ के उसको देंगे दुकानदार को, तो लेकिन घटे नहीं रह जाएगा ना। तो इन दोनों को जोड़िएगा तो -35। ये -35 कैसे आया समझ में आया? अरे 21 रुपया खाया फिर 14 रुपया खाया, -35 हुआ कि नहीं? ये जो 10 था ऊपर गुना हो गया। किसी भी बालक को दिक्कत? आगे बढ़ते, 35 + 10 = 20 ओके, यानी 46 में से 35 जाएगा कितना बचेगा? 11। 46 में से 35 जाएगा कितना बचेगा? 11। या तो 35 रह जाएगा, या तो आप भिन के जोड़ बना के भागा दीजिए, या ऐसे भागा दीजिए, कोई दिक्कत थोड़ी है। इसको भागा दीजिए, 11 = 11 11.82 आ जाएगा आपका, और आगे आया कटता नहीं है। तो यहाँ तो लगभग में इतना आएगा, अप्रोक्स वैल्यू आएगा 1.82 लगभग में। इन दोनों को हम लोग ऐड करेंगे, 35 = 36.82 दशमलव के बाद एक एक अंक बोलना, 36.82 36.82 ओके। अभी ये क्वेश्चन समाप्त नहीं हुआ, आप लोग पहले बताइए बहुलक समझ में आया कि नहीं, अगर जो आया है तो लाइक कीजिए वीडियो को, ठीक। अब देखिए फिर से इसको समझाते हैं, बहुलक का फॉर्मूला होता है ये वाला, ये आपका बहुलक का फॉर्मूला है। यल क्या होता है? बहुलक बड़ की निम्न सीमा होती है। अगर जो अभी नहीं समझ में आया तो धरती पर कहीं भी नहीं समझिएगा। यल क्या होता है? बहुलक बड़ की निम्न सीमा। एक सर बहुलक बड़ कैसे पहचानेंगे? तो जिसकी बारंबारता सबसे अधिक हो, जिसकी बारंबारता सबसे अधिक हो उसको हम लोग कहेंगे बहुलक बड़। तय से बड़ा कोई किसी का भी बारंबारता है नहीं। इधर 21 है, इधर 11 है, इधर 6, इधर 14, सबसे बड़ा बारंबारता 23 है। तो इसको हम कहेंगे बहुलक वर्ग। क्या कहेंगे? बहुलक वर्ग। यल जो होता है बहुलक वर्ग के निम्न सीमा होता है, निम्न सीमा। तो बहुलक वर्ग के निम्न सीमा ए हो गया 35। बहुलक वर्ग के निम्न सीमा 35। यह छोटा वर्ग अंतराल, मान इस दोनों के बीच में कितना अंतर है वो होता है एच। एच कितना अंतर है? 55 में 65 में कितना अंतर? 55 से 65 में कितना का अंतर? बोलिएगा सर 10 का अंतर। F1 होता है सबसे ज्यादा, जो हम बुक नहीं देखते हैं, देखिए हम बुक की सहायता लेंगे तब, जो बुक में लिखा गया है उसके आधार पर नहीं पढ़ेंगे हम लोग, अपना दिमाग लगाएं कैसे इसको आसानी से याद किया जाए, ठीक। तो F जो होगा F1 सबसे बड़ा बारंबारता को F1 कहेंगे, सबसे बड़ा बारंबारता को F1, उसके जस्ट ऊपर वाले को F0 और उसके जस्ट नीचे वाले को F2। F1 मान लेंगे सबसे बड़ा, इसके ऊपर रहेगा F0, इसके नीचे रहेगा F2 ओके। अब हम फॉर्मूला पे बैठाते हैं, बारीकी से समझा करो। यल का मान 35 प्लस F1 का मान 23 लिख दिए, F0 का मान 21, 2 × 23 F1 23 -21 और -14, H कितना है? 10 है। अब वहां से हम लोग हल किए, ये 35 का ये 35, यहाँ 23 में 21 गया 2, ये ऊपर गुना हो जाता है, 23 × 2 = 46, 21 - 14 - 35 होता है। तो यहाँ तो 35 हो गया 20/11, 10 × 2 = 20 बटे 46 में 35 गया 11। जब हम लोग 11 से भागा दिए 20 में तो आया 1.82, आपस में ऐड कर दिए। किसी भी बालक को अब समझ में आया कि नहीं? अरे आया हो, कुछ नहीं बोलता है, ठीक है। हमको उम्मीद है कि आइए गया होगा, मेरा चेला है तुम सब, क्या करें। अब देखिए ये पूरा नहीं, तो सिर्फ बहुलक निकाले हम, अब माध काढ़ा निकाले। तो हम माध पहले पिछला वीडियो में पढ़ा चुके हैं,
माध पिछला वीडियो में हम लोग क्या किए थे, पढ़ा चुके थे। माध भी निकाल के दिखाते हैं, ये सब डिलीट हो जाओ बाबू। माध निकाल के दिखाते हैं आप लोगों को। ये माध है तो एफ आई। अब देखिए वर्ग अंतराल कैसे निकलेगा, वर्ग अंतराल पिछला वीडियो में बता दिए, इसमें भी दो तीन हिसाब है। देखिए वर्ग अंतराल इन दोनों को जोड़ के दो से भागा दीजिए, पंद्रह पांच बीस, बीस का आधा दस, पहला क्या आ जाएगा नंबर दस, पच्चीस पंद्रह चालीस, चालीस के आधा बीस, पैंतीस पच्चीस साठ, साठ के आधा तीस, पैतालीस पैंतीस नब्बे, नब्बे सॉरी पचास अस्सी, अस्सी के आधा चालीस, पचपन पैतालीस सौ, सौ के आधा पचास, पचपन पैंसठ एक सौ बीस के आधा साठ। ये आपका एक्स आई निकल गया, हिंदी में इसको वर्ग अंतराल कहते हैं, वर्ग अंतराल। अब इन लोगों को एफ आई निकला हुआ है, एक्स आई निकला हुआ है। अब माध का फॉर्मूला होता है माध बराबर सिग्मा एफ आई एक्स आई, अब बटे सिग्मा एफ आई, यही फॉर्मूला। ये वाला हम चीज अगले क्लास में बता चुके हैं, लेकिन फिर से हम बता रहे हैं क्योंकि किताब में पूछा गया है, ठीक है। देखिए हम लोग क्या करेंगे, एफ आई एक्स आई निकालेंगे, एफ आई एक्स आई, ओके, दस छक साठ, ग्यारह दूनी बाईस दो सौ बीस, इक्कीस तीया तिरसठ छह सौ तीस, तेईस छक पहाड़ा तीस तक आज करना पड़ेगा ना, तेईस दूनी छियालीस, तेईस छक बानवे नौ सौ बीस, ओके, चौदह पचास सत्तर सात सौ, छह पचे तीस, तीन सौ। इसको ऐड करेंगे और इसको, ये ऐड करेगा तो सिग्मा एफ आई निकलेगा, ये ऐड करेगा तो सिग्मा एफ आई एक्स आई निकलेगा। जोड़ लेते हैं हम लोग, जीरो 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 दो तीन दो पांच, पांच दो सात, सात पांच बारह, छह दो आठ, दो दस ग्यारह, अरे दो तीन दो पांच दो सात, सात छह तेरह, तेरह के तीन बाकी एक, सात तीन दस, दस दस बीस, बीस बीस आठ अट्ठाईस, अट्ठाईस। इसको जोड़ में किसी को तो प्रॉब्लम, किसी भी बालक को अट्ठाईस सौ तीस आया, उधर कितना है बहादुर अस्सी। अब ये दोनों क्या आया, सिग्मा एफ आई एक्स आई या सिग्मा एफ आई। तो फॉर्मूला मेरा माध होता है सिग्मा एक्स आई एफ आई बटे सिग्मा एफ आई, यहाँ पे खाली हम यहाँ पे करते हैं सिग्मा एफ आई एक्स आई का मान कितना अट्ठाईस सौ तीस, अब बटे कितना, इसको ऐड तो हम कर भी नहीं किए, छह एक सात एक आठ, आठ दो दस, एक ग्यारह पांच पंद्रह, छह एक सात एक आठ, आठ दो दस, एक ग्यारह, ग्यारह चार चौदह, ग्यारह चार पंद्रह, पंद्रह पांच बीस को सुनना बाकी दो, दो एक तीन, दो पांच, पांच दो सात एक आठ, अस्सी आ गया। कितना है दोनों अस्सी, बटे में क्या हो जाएगा अस्सी, बटे में अस्सी, ये जीरो से ये जीरो कट गया, ये जीरो से ये जीरो कट गया। आप क्या करेंगे, भागा देंगे। देखिए हम लोग भागा देते हैं, लंबे से भागा देते हैं, आठ बार में अट्ठाईस, तीन अठतिया चौबीस कट गया, तीन अठ पचे चालीस, पॉइंट आएगा थ्री, हो गया जीरो, अठतिया चौबीस, अठ सत छप्पन, अठ सत छप्पन, और एप्रोक्स वैल्यू आएगा पैतीस पॉइंट तीन सात, आगे कुछ भी आ सकता है नहीं कट रहा है, पैतीस पॉइंट तीन सात अप्रॉक्स वैल्यू, लगभग में पैतीस पॉइंट तीन सात। किसी भी बालक को इस क्वेश्चन में माध और बहुलक में दिक्कत, एक भी बालक को नहीं होना चाहिए, ये प्रगति क्लास का है, एक भी बालक को दिक्कत नहीं होगा, ओके। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरा, आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर दो क्या कह रहा है सुनिए। निम्नलिखित आंकड़ों को 225 बिजली उपकरणों का परीक्षण जीवन काल घंटा की सूची देती है, उपर्युक्त उपकरणों का बहुलक जीवन काल ज्ञात कीजिए। ये सारणी दिया गया है, इसका बोला है बहुलक निकालने, तो बहुलक इज द इजी पर्सन,
बहुलक अब आप लोगों को हलवा बन गया होगा, इसको खाएंगे। देखिए हलवा कैसे खाते, हम लोग क्या फॉर्मूला पढ़े हैं बहुलक बराबर यल प्लस एफ आई माइनस एफ जीरो बटे एफ वन टू एफ वन माइनस एफ जीरो माइनस एफ टू इंटू एच। फॉर्मूला बार बार क्यों लिख रहे हैं पता आपको? क्योंकि हम बार बार लिखेंगे, आप बार बार सुनिएगा, आद हो जाएगा। ठीक, देखिए यल, ये सर यल के पहले हम लोग बहुलक वर्ग चिन्हेंगे कि बहुलक वर्ग है कौन। तो हम पूछेंगे बाबू बताओ सबसे ज्यादा बारंबारता किसका है, तो आप हंस के जवाब दीजिएगा कि सर 61 का है। हंस के जवाब दीजिएगा, लपक के दो कदम। तो जो सबसे ज्यादा बारंबारता रहता है उसको हम लोग एफ वन बोलते हैं। आप लपक का जवाब दीजिएगा कि सर ऊपर वाला का एफ जीरो और नीचे वाला को एफ टू कहते हैं। हो गया एफ जीरो एफ टू, यहां तक किसी बाबू को कोई दिक्कत नहीं। अब बहुलक वर्ग कौन होगा? तो कहिए सर सबसे ज्यादा बड़ा बहुलक जिसका, वही मेरा बहुलक वर्ग होगा। इस कंटेंट में किसी भी बालक को दिक्कत होगा तो हमको प्लीज बोलिए। किसी भी बालक को दिक्कत? एक भी बालक को दिक्कत नहीं। आगे बढ़ते हैं, देखिए यहाँ पे तो यल क्या होगा? बहुलक वर्ग के निम्न सीमा 60 हो जाएगा। यच क्या हुआ? वर्ग अंतरा। इन दोनों के बीच कितना का अंतर है? 20 का अंतर। इन दोनों के बीच कितना का अंतर है? 20 का अंतर। ओके, देखिए हम लोग बैठा रहे हैं, यल का मान कितना? 60 लिख दिए। प्लस एफ वन का मान कितना? 61। जैसे जैसे लिखा है सिर्फ उसी तरह से बैठाना है, ठीक है। 61 माइनस एफ जीरो, एफ जीरो 52 बटे 2 गुने 61 माइनस 52 माइनस कितना होगा? 38। यच वर्ग अंतराल कितना के सर 20। कितना? 20। यहां तक किसी भी बालक को दिक्कत? जब हम लोग यहां तक कर दिए हैं तो यहां से हल करने में नहीं आएगा, ऐबे करेगा बहादुर। देखिए हम लोग करते हैं, 60 प्लस 61 में 52 गया 9, 52 9 61 होता है। 61 दूनी कितना? 222। अब माइनस, ये देखिए गोलगप्पा खा रहे हैं हम लोग, पहले 52 गोलगप्पा खाए फिर 38 गोलगप्पा खाए, दोनों को ऐड करेंगे तो आपका आ जाएगा 8 10 90 गोलगप्पे, और ऊपर 20 चला जाएगा। 60 प्लस 9 दूनी 18 180, 122 में 90 घटेगा तो 132 आएगा। 132, 122 में 90 घटेगा तो कितना है बहादुर? 132। बगल में कितना है? 60 प्लस 32 भागा 180 भागा 32 करेंगे, कितना करेंगे हम लोग? 180 भागा 32 तो आपका 5.6। कल के देख लीजिएगा 5.6। और आगे कुछ आता है पॉइंट पॉइंट में, पॉइंट के एक दो अंक के बाद किसी का कोई वैल्यू नहीं रहता, एक बढ़ा लिख देना है। इन दोनों को ऐड करेंगे तो 65.6। किसी को दिक्कत? तूफानी अंदाज में जा रहे हैं हम लोग, एक भी बालक को दिक्कत है। क्या किए? पहले बहुलक का फॉर्मूला लिखें, सबसे बड़ा जो बारंबारता था उसको हम लोग बहुलक वर्ग मान, यल होता है निम्न सीमा, यच होता है वर्ग अंतराल, ओके, एफ वन होता है सबसे बड़ी बारंबारता, उसके ऊपर एफ जीरो, उसके नीचे एफ टू। मान बैठाएं, आपका आंसर 65.6। ओके, बने रहिए मेरे साथ अंत तक। आइए क्वेश्चन नंबर 3, तूफानी अंदाज में करेंगे इसको हम, कोई दिक्कत नहीं। पढ़ते, निम्नलिखित आंकड़े को किसी गांव के 200 परिवारों के कुछ मासिक घरेलू व्यय का बंटन को दर्शाते हैं। इन परिवारों का बहुलक मासिक व्यय ज्ञात कीजिए, साथ ही माध्य सामासिक व्यय भी ज्ञात कीजिए। इसमें बोला है माध्य और बहुलक निकालने, हम निकालेंगे बहुत आराम से निकालेंगे, कोई बात नहीं। बहुलक से भारी हो जाता है माध्य, गुना भागा, कोई बात नहीं, गुना भागा से डरना नहीं, क्योंकि आगे जब कंपटीशन में या कंपटीशन में सबसे ज्यादा वैल्यू होता है गुना भागा स्पीड करने का।
कंपटीशन का मैथ कुछ भी नहीं रहा था, उसमें सिर्फ स्पीड चाहिए। ठीक, यहाँ पे हम लोग अभी टेंथ पास करेंगे तब कंपटीशन के चर्चा करेंगे। देखिए पहले हम लोग बहुलक निकालेंगे तब माध निकालेंगे। बहुलक, अब तो आप लोग उड़ उड़ के बताइएगा, आप लोग उड़ उड़ के नहीं बताइएगा, हम पूछते हैं आप लोग बोलिएगा सबसे बड़ा कौन है। कि सर 40 इसको एफ वन मानिए, इसके ऊपर वाला कोई एफ जीरो मारिए लपक के एफ टू। अब बहुलक वर्ग कौन हो गया सर, यहाँ पे यहाँ पे यल कितना मारेंगे सभी शेर बहादुर चिक्कड़ के बोलेगा दहाड़ते हुए 1500। यल कितना 1500। यच वर्ग अंतराल कितना सभी शेर बहादुर बने रहिए सर 500। अब फॉर्मूला नहीं बताएगा बाबू। हाँ सर, देखिए लिखिए, हम लिखिए ना, आप लिखा रहे हैं एफ वन माइनस एफ जीरो बटे टू एफ वन माइनस एफ जीरो माइनस टू इंटू एच। अब कितना लड़का सोच रहा था 10 मर बाबा, ये तो हम जानबे करो ही बाबू, जानता है सब कुछ। मैथ को जितना रिविजिंग करिएगा, जितना प्रैक्टिस करिएगा, उतना आसान होते रहेगा, कोई दिक्कत। इसको आप छोड़िएगा तो ये भी आपको छोड़ देगा, जाए बुआ ये भी कह देगा। मैथ जब तक एग्जाम नहीं, अब पहला घंटे पहला दिन ही मैथ दे दिया रूटीन में, तो इसलिए थोड़ा डरल उड़ल जाइएगा मैथ भैया, एक गलत हुआ तो उड़ जाइएगा आप लोग। बने रहिए, रिविजिंग करते रहिए, कम से कम देखने से तो ये होगा कि मेरा रिविजिंग हो रहा है, उसी बहाने देखिए आप लोग। यल कितना है बाबू 1500, हम लोग 1500 प्रेम से रखते हैं इसको। एफ वन का मान कितना है 40, एफ वन 40, एफ जीरो 24, 2 × 40 माइनस 24 और माइनस 33 और गुना एच कितना 5। अब यहाँ के बाद हमको कलम नहीं चलाने के लिए बोला जाए, लेकिन अभी हम चलाएंगे, अभी क्या करेंगे चलाएंगे। देखिए 1500 प्लस तो 40 में 24 जाएगा, कितना बचेगा 16, और 40 दूनी कितना 80, माइनस माइनस 23 माइनस 33 कितना हो जाएगा 57, 57 गुना 5, 57 गुना 5 ओके 1500 प्लस 16 × 25 80 पर 2 × 0 80 में से गया 57, 57 × 33 60 20 80 23। 1500 भागा दीजिए आप लोग 8000 भागा कितना देना है बहादुर, 8000 भागा कितना 8000 भागा कितना 23, तो इसको भागा दीजिए आप लोग आएगा 347.862, 347.862, 862। अब इसको ऐड कर लेते 862 ओके, जोड़ेंगे हम लोग, क्या करेंगे बहादुर जोड़ेंगे, जोड़ लीजिए आप लोग, दशमलव का जोड़ आता है कि नहीं, जुट गया 0.86। ये देखिए दशमलव का जोड़, जोड़ तो बढ़िया से क्लियर है ना बुआ, जोड़ में कोई दिक्कत। ये सारा कंटेंट समझ में आया, जिसको समझ में ना आया कमेंट करना है, फिर से हम अपना और बताने की कोशिश करेंगे, और जिसको समझ में आया वो भी कमेंट करेगा कि सर समझ में आ गया ओके। अब इससे बहुलक का धंधा खत्म हो गया, अब बचा हमको पास माध निकालना। भैया बहुलक बाबा तो चल जाओ दोनों, बहुलक बाबा है और माध दादा है, आप दादा माध ठीक ठीक है, ये दोनों ठीक है, लेकिन इसको भी मिटाते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा एफ जीरो भैया भाग जाओ यहाँ से, अब माध जी आ रहे हैं, अब माध जी आते तो लफड़ा लेकर आते हैं। देखिए हम करते हैं, समय लगेगा क्योंकि संख्या बहुत बड़ा बड़ी है ठीक है। 1000 और प्लस 1500 2500 होगा, 2500 के आधा 1250, 1250 1500 प्लस 2000 3500 तो 1750, 12×5 1700। किसी भी बालक को कोई दिक्कत फिर से मिला लेते हैं, 2500 का आधा 1250, 3500 का आधा 1750। अब कितना कितना बड़ा, 5-5 नहीं बढ़ रहा बहादुर, देखिए ऊपर से 1200 हो गया 17, 5 बढ़ा 1700 हो जाएगा 22, 22.5 ओके, घीच देते हैं दिक्कत हो,
1250 से जगह 2750, 2750 से 3250, 3250 से 3750, 3750 से 4250, 4250 से 5, 4750, 4750। ये मेरा एक साइन निकला वर्ग अंतराल। अब देखिए झमेला, जितना आप लोग कैलकुलेशन से डरिएगा उतना ही आपके पीछे पीछे आएगा। कैलकुलेशन से डरना नहीं, समय लगेगा कोई बात नहीं, समय लगने दीजिए। यहां देखिए आपस में इस दोनों को गुणा करेंगे, 25 गुना 24, 5 और 20 का सुनना बाकी, 2 4 2 8 2 10 का सुनना, 4 2 8 2 10 का सुनना बाकी, 4 5 15 10 4 2 4 5 2 ओके 0 0 0 3। यहाँ गुना हम लोग किए 3 पर 1 2 3 4 1 2 3 4 ओके। किसी भी बालक को दिक्कत नहीं, लंबा है क्या दिक्कत है लंबा, 175 गुना 40 देखिए शॉर्ट में जाएगा, 400 गुना 5 और 20, 5 और 20 का सुनना बाकी, 2 7 4 28 2 30 का सुनना बाकी, 3 4 3 7 ओके। अब यहाँ यहाँ थोड़ा सा और डेंजरस, 33 करना ना, 2 3 5 33 15 बाकी है, 3 2 6 7 3 2 6 5 7 6 होगा, 5 2 7 4 7 यहाँ आपका आ जाएगा 7 4 2 5 एगो लड्डू ओके। यहाँ देखिए फिर गुना करिए, गुना करने से भागना नहीं है, इसमें से इसको गुना करिए, 27 अगुना 28 8 5 40 के सुनना बाकी, 4 7 8 7 56 56 4 60 के सुनना बाकी, 6 8 2 16 16 4 20 2 22 5 2 10 के सुनना बाकी है, 7 2 14 15 5 बाकी है, 2 2 4 5 0 0 7 7 ओके कोई दिक्कत नहीं, 7 7 00 अब 1 0 इस पर है 53 ओके। अब आइए यहाँ देखिए लंबा हो रहा है कोई दिक्कत नहीं, लंबा होने दीजिए इसको, 15 का 5 बाकी है, 3 2 6 1 7 3 3 9 ओके ओके आगे बढ़ते हैं, 3 7 5 गुना 2 15 10 को सुनना बाकी है, 7 2 14 1 15 का 5 बाकी है, 3 2 6 7 15 10 को सुनना बाकी है, 7 2 14 1 15 का 5 बाकी है, 3 2 6 1 7 0 5 7 5 12 2 बाकी है, आगे आपका 82 5 0 एक सुनना यहाँ डाल दो, लंबा है कैलकुलेशन कोई दिक्कत नहीं। अब करिए लिए तो करिए लेते हैं, 425 16 6 75 का सुनना बाकी, 3 6 2 12 6 2 12 3 15 का 5 बाकी है, 6 6 24 25 5 2 4 0 0 7 1 8 4 2 6 आगे 6 8 0 0 1 0 इसका बचा हुआ 0 पहले से 0 7 5 35 के 5 बाकी, 3 7 7 49 50 52 52 बाकी, 5 7 6 18 2 30 3 33 ओके ओके। अब इसको देखिए जोड़ते हैं हम लोग, 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ओके, 0 0 5 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 10 सुनना बाकी, 1 1 हो गया 1 2 3 3 3 3 5 3 8 8 5 13 13 13 2 15 के 5 बाकी, 1 फिर यहाँ जोड़िए, 1 हो गया 1 4 5 7 5 12 12 8 12 7 19 19 1 20 21 21 21 28 29 31 2 32 के 2 बाकी, 3 3 6 7 6 13 13 13 7 20 13 7 20 27 27 28 29 30 6 36 44 44
चौवालीस छो पचास, पचास तीन तिरपन, तिरपन। अब देखिए ये मेरा क्या गया सिग्मा एक्स आई एफ आई, इसको ऐड करते हैं, चार 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 तीन सात आठ सात पंद्रह, पंद्रह पंद्रह दो सत्रह, सत्रह तीन बीस, तीन तेईस, तेईस सात तीस, तेईस सात तीस, तीस के सुनना बाकी तीन, दो चार दो छ, छ तीन नौ, नौ दो ग्यारह, ग्यारह ग्यारह तीन चौदह, चौदह पंद्रह सोलह सत्रह, सत्रह अठारह उन्नीस बीस, दो सौ। ओके तो यहाँ होगा सिग्मा एफ, सिग्मा एफ आई तो होगा सिग्मा, अरे यार यहाँ तो जहाँ पे नहीं, चलिए सिग्मा एक्स आई एफ आई बटे सिग्मा एफ आई। ओके तो कितना आया पांच तीन दो पांच, जीरो जीरो बटे दो सौ, जीरो से जीरो जीरो खत्म, काटिए इसको, दो दूनी चार, छो दूनी बारह, छो दूनी बारह, दो दूनी चार, पॉइंट। ओके उम्मीद है कि समझ में आएगा, माध लंबा गया कोई दिक्कत नहीं, डरना नहीं लंबा से। आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर चार, क्वेश्चन नंबर चार, निम्नलिखित बंटन भारत, भारत के उच्चतम माध्यमिक स्कूल में राज्यों के अनुसार शिक्षक विद्यार्थी का अनुपात के दर्शाता है, इस आंकड़े को बहुलक और माध्य ज्ञात कीजिए, दोनों मापों का व्याख्या कीजिए। कोई बात नहीं, इसमें भी पूछा है बहुलक और माध्य, बहुलक निकालना तो आराम बात है, पहले हम लोग बहुलक की चर्चा करें, सबसे बड़ा बारंबारता कौन है, क्या सर एफ वन हो जाएगा, एफ जीरो हो जाएगा, एफ टू हो जाएगा, यल बराबर बहुलक वर्ग की निम्न सीमा, बहुलक वर्ग का निम्न सीमा मिला लीजिए तो आ जाएगा तीस, एच का मान पांच, बहुलक का फॉर्मूला था यल प्लस एफ वन माइनस एफ जीरो बटे टू एफ वन माइनस एफ जीरो माइनस एफ टू इंटू एच, एच कितना बिठाइए हम कैलकुलेशन करते हैं, तीस प्लस एफ वन का मान दस माइनस नौ बटे दो गुना दस माइनस नौ माइनस तीन, एच का मान पांच, तीस प्लस एक हो जाएगा दस दूनी बीस माइनस बारह अगुना ऊपर पांच, तीस यहां देखिए पांच बटे आठ, थर्टी गुने जीरो पॉइंट आठ छ अड़तालीस, आठ छ अड़तालीस बचेगा दो, दो बचेगा तो आठ दूनी सोलह, आठ चालीस कितना आया नानू, देखिए बहुलक कितना आ जाएगा आपका जीरो पॉइंट छ, ठीक है यहाँ पे एड कर लेंगे तो तेईस पॉइंट छ दो पॉइंट, बहुलक सिंपल से बन गया बहुलक, अगर जो एग्जाम में आ गया अब बना के नहीं आया तो हम दौड़ा दौड़ा कर मारेंगे तुम सबको, नहीं कैसे बनेगा आ गया तो बन नहीं जाएगा बहादुर, बहुलक, बहुलक का सेवा समाप्त, बहुलक का सेवा मेरा समाप्त हो गया। अब हम लोग माध की चर्चा कर रहे हैं, माध ये तो मेरा एफ आई है और निकालना अभी एक्स आई, ओके इन दोनों को जोड़िए आएगा पैंतीस, पैंतीस का आधा साढ़ा सत्रह, साढ़े सत्रह इन दोनों का जोड़ आएगा पैतालीस, पैतालीस के आधा साढ़े बाईस, साढ़े बाईस अबरी जो होगा होगा पचपन, पचपन के आधा, पचपन के आधा साढ़े सत्ताईस, अट्ठाईस दुनी छप्पन होता है, फिर साढ़े बत्तीस, साढ़े सैतीस, साढ़े सैतीस साढ़े बयालीस, साढ़े बयालीस साढ़े सैतालीस, साढ़े सैतालीस साढ़े बावन। ओके अब हम लोग यहाँ एक्स आई एफ आई जोड़ेंगे, एक्स आई एफ आई, ओके देखिए करते हैं इन दोनों को गुना करिएगा तो कितना आएगा बावन पॉइंट पांच, बावन
पॉइंट पांच, इन दोनों को आपस में गुना करिए सर, लगभग 180, इन दोनों को गुना करिएगा तो आपका आएगा 247.5, 247.5, इसको आया 325, और यहाँ अगर जो गुना करेंगे 3 × 37.5, 112.5, 112.5 की गुना होगा 0, 0, 15 × 2 = 4, 2 × 4 = 5, 15 × 2 = 5, 2 × 4 = 5, अब 5 × 2 = 10, 105, यहाँ तक इसको ऐड करिएगा तो आप आएगा 10, 2, 2.5, और यहाँ आपको ऐड करिएगा तो आएगा 35, तो ये मेरा क्या निकला, सिग्मा एफ आई निकला, यहाँ सिग्मा एक्स आई एफ आई, ओके। माध बराबर फॉर्मूला होता है माध बराबर सिग्मा एक्स आई एफ आई बटे सिग्मा एफ आई, ओके। बिठाना है वैल्यू, काटना है, बिठाना है और क्या करेंगे, काटेंगे 10 × 22, 10 × 5, अब बटे 35, बटे कितना 35, आपस में कट के कितना आएगा नुनु, 29.241, किसी बालक को दिक्कत यहाँ तक, एक भी बालक को दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब क्वेश्चन दो को बचा है, 5 नंबर 6 नंबर, ओके दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 5, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है 5। दिया हुआ बंटन विश्व के कुछ संगठन सर्वोत्तम बल्लेबाजों द्वारा एक दिवसीय अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट मैच में बनाए गए रनों का दर्शाता है, आंकड़े का बहुलक ज्ञात। आप लोग हमारे साथ बने रहिए विस्फोटक क्लास, आए मतलब इधर तो हम लिखवे ना, क्या कोई दिक्कत नहीं है, 4 18 4 18 9 7 6 9 7 6 3 1 1 3 1 1, ओके। तो अब देखिए बहुलक निकालना है, बहुलक तो फॉर्मूला यहां लिखते हैं हम लोग आपको, यल प्लस एफ वन माइनस एफ जीरो बटे टू एफ वन माइनस एफ जीरो माइनस एफ टू इंटू एच, ओके इंटू एच। सबसे बड़ा कौन है, आप लोग लपक के कहिएगा सर एरिया 18, जो सबसे बड़ा आता है उसको एफ वन मानते, ऊपर वाला को एफ जीरो, उसके नीचे एफ टू, ये हमारा बहुलक वर्ग हो गया। यल का मान कितना शेर बहादुर, कहिएगा सर 4000 लेना, ले लिया हम लोग 4000। एच कितना, 1000। अब क्या है, यल का मान कितना 4000, 1 2 3, एफ वन का मान 18 − 4 = 2 × 18 − 4 − 9, एच का मान कितना 1000, यच का मान कितना 1000, 4000 + 14 होगा और गुने कितना 1000 / 18 × 36 − 9 = 13, ओके। 4000 + 14 × 3 = 0 डाल दो, 23 × 23 = 23, भागा देके काटिए आप लोग बहादुर, तो यहाँ पे तो है ये जगह 4000 + 23 / 1400, 608.69, इसको ऐड कर देते हैं 0.698064, आपका फाइनल आंसर आ गया 46.08.68, ओके। क्वेश्चन नंबर 5, आगे नु 5 के चल गए नु नाच के, देखे कितना नाच के, आइए क्वेश्चन नंबर 6, लास्ट क्वेश्चन आज का।
अंत भला तो सब भला। देखिए हम इसको कैसे धुआं धुआं देंगे। एक विद्यार्थी ने एक सड़क के किसी स्थल स्थान से होकर जाती हुई कारों की संख्या नोट की और उन्हें नीचे दिए गए सारणी के रूप में व्यक्त किया। सारणी में दिए गए प्रत्येक प्रश्न 3 मिनट के अंतराल में उस स्थान से होकर जाने वाली कारों की संख्या से संबंधित है। ऐसे 100 अंतरालों का प्रश्नों को इन आंकड़ों का बहुलक ज्ञात करें। कोई बात नहीं, बहुलक बहुत सिंपल हो गया भैया। देखिए इस पहिया को हटा रहे हैं। यह फोन किसको माने? सबसे बड़ा कौन? कहेगा सर 20। यह फोन इसके ऊपर ला भाला F0, इसके नीचे वाला F2। ओके, यल किसको मानते? तो बहुलक वर्ग के निम्न सीमा, तो 20 वाला है सबसे ज्यादा, तो बहुलक वर्ग के निम्न सीमा कितना हो जाएगा? शेर बहादुर 40। यच वर्ग अंतराल 10। फॉर्मूला लिख लीजिए बहुलक का। बहुलक यल प्लस F1 माइनस F0 बटे 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। देखिए फॉर्मूला इसीलिए लिख रहे हैं कि आपको आध हो जाए। हमको तो आधे हैं, आप बैठिएगा एग्जाम में, आपका आध होना जरूरी है। हमसे पहले आंसर लाइए आप लोग। यल कितना? 40 प्लस F1 का मान कितना? 20 माइनस 12 बटे 2 × 20 माइनस 12 माइनस 11। अब ऊंचाई कितना है? अंतराल 10। कोई दिक्कत नहीं। 40 प्लस 20 में 12 गया तो 8, ऊपर गुना कितना? 10, बेदोनी 40 माइनस 12 रुपया घटा, फिर 11 रुपया घटा, कितना रुपया घटा? 23 रुपया। 40 प्लस 10 80। अब 40 में तय जाएगा 37, 37 को देख 17। 40 में तय जाएगा तो 17 बचेगा। हो हम गुड़ बचते हैं कि 17 × 3 = 20 ठीक है। काटिए इसको, कितना बार में करे? 17 × 3 = 17 × 4 = 68, 17 × 5 = 85, 17 × 8 = 68, 80/17, 17 × 8 = 68, 4.706 ऐड कर लीजिए, 44.706 आपका आंसर। अब क्लास कैसा लगा आप लोगों को? अगर जो अब अच्छा लगा है तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन हो गया बहुलक का, कल हम लेके आएंगे माध्यिक का, ठीक है दोस्तों। हम यही कहना चाहते हैं, कुछ कर चलो ऐसा कि दुनिया करना चाहिए आपके जैसा। ओके, बाय, गुड नाइट, जय हिंद दोस्तों।